हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज तो मैं घर आ चुका हूँ, सो छत के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अगस्त महीना तो चला गया और सितंबर आ गया, लेकिन आईडीबीआई का ज्वाइनिंग नहीं आया। तो आप लोग क्या कर सकते हो अभी? अभी मेरा एक सजेशन है आप लोगों से कि आप लोग, अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो प्लीज पैनिक मत होइए, ज्वाइनिंग तो आ जाएगा। क्योंकि मैं कमेंट में पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने फोन किया है और उनको बताया गया है कि सितंबर में आएगा। और हमारा एक सब्सक्राइबर है जो मुझे मेल किया था कि मैं एचआर को कॉल किया था, उन्होंने बोला सितंबर तक आएगा। और मैं उनको पूछा क्यों सितंबर तक क्यों, तो उन्होंने मुझे बताया कि सितंबर में कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इशू है, सो इसलिए सितंबर तक जा रहा है। सो कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए का कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू था, इसलिए उन्होंने सितंबर तक देने के लिए बोल रहे। तो अगर ये बात सच हुआ तो ठीक है, सितंबर में आपको मिल जाएगा। और जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं वो तो उनको तो मिलेगा उसके बाद, उनको शायद अक्टूबर में मिलेगा। तो कभी भी मिले, आप लोग पढ़ाई करो, IBPS दो, आप IBPS एग्जाम दो, IBPS PO का एग्जाम दो। तो यही था आज का वीडियो, बाकी कुछ नहीं था। क्योंकि अगर किसी को जॉब चाहिए, मतलब IDBI का ही चाहिए तो ठीक है, लेकिन जो सोच रहे कि अभी IDBI का कर लूँगा बाद में छोड़ दूंगा, IBPS या फिर कोई PSP में जॉब करूँगा, तो उन लोगों को मेरा एक सजेशन है, आप इसी बीच अगर सितंबर एक महीना बाकी है तो सितंबर में तो शायद एक महीना बाकी है तो आपका IBPS PO का भी प्रीलिम का एग्जाम है, तो आप लोग बस प्रीलिम पे फोकस कीजिए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि बहुत लोग IDBI तो छोड़ रहे, अगर आप भी वही सोच रहे हो कि मैं IDBI जॉब करूँगा, जब अलग कोई बैंक में जॉब हो जाएगा तो मैं छोड़ दूँगा, तो इससे अच्छा है आप लोग अभी से प्रिपेयर करो। और आपको तो पता है मेरे केस में जो 11 महीना उन्होंने लिए थे वो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाए, क्योंकि 11 महीने तक मैं अपने आप को कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा था, और 11 महीने तक मैं पढ़ाई नहीं ठीक से कर पा रहा था, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जो पीरियड है आप उसको बस एक ही फोकस दो। हाँ, और उस 11 महीना में मैं कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया था, उससे पहले मेरा प्रीलिम हो रहा था, मेन हो रहा था, इंटरव्यू में जा रहा था, लेकिन वो 11 महीना में मैं कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर किया था। सो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह वो गलती मत कीजिए कि मेरा हो गया अब तो बस बिंदास और वो ज्वाइन करूँगा उसके बाद मैं प्रिपेयर करूँगा, वैसा नहीं होता है। अभी आपके पास पूरा 24 आवर है, उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे जॉब करोगे हार्डली आपके पास खाने पीने और सोने पढ़ाई करने के लिए 8 या 10 घंटा बचेगा। उसे अगर 24 घंटा और 10 घंटे में तो फर्क होता है ना, और एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगा तब, क्योंकि जॉब से आने के बाद आपको पढ़ाई करने के लिए मन नहीं करेगा, ये सब प्रॉब्लम है जॉब करने के बाद। तो अभी आप लोग मेरी बात मानो, IBPS PO के लिए प्रिपेयर करो, इसको पूरा दिल और दिमाग से भूल जाओ, जब आएगा तब ज्वाइन करूँगा, बाकी कुछ नहीं। सो ये था वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को हाँ, ये था वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो।